तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जानकारी करेंग, हासिल करेंगे एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज सो जैसे आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होता है रेडियो एक्टिविटी एक इज द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ इच हैवी एलिमेंट डिस्टिंग विदाउट फोर्सड एनी एक्सटर्नल एजेंट टू डू सो जब एक रेडियो सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियम हम प्लेस करते हैं कैविटी में लेड ब्लॉक में तो वहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा रेज निकलती है तो जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल इज़ इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस जो अल्फा पार्टिकल है वो बराबर होता है हीलियम न्यूक्लियस को जो हीलियम न्यूक्लियस जो हम रिप्रेज करते हैं हीलियम टू फोर एटम नंबर टू है और मास नंबर फोर है दैट इज़ that is double ionized helium uh, atom w ionized helium atom consisting of two proton and two neutron go ek alpha particle jo hai that is equal to a helium helium nucleus helium uh, two jo hum two uh, jiska atomic number 2 hai aur mass number 4 hai go that means doubly uh, doubly ionized helium atom consisting of two protons or two, uh, two neutrons jo alpha particle se they have uh, positive charge equal to plus 2e जो positive चार्ज है इक्वल टू टू प्लस टू ई वायर ई जो है वो चार्ज ऑफ द है वन पॉइंट सिक्स इंट इज माइनस नाइनटीन कोलम देव रेस्ट मास इक्वल टू फोर टाइम्स द मास ऑफ ए प्रोटॉन जो रेस्ट मास अल्फा पार्टिकल है दैट इज़ इक्वल टू फोर टाइम्स द मास ऑफ ए प्रोटॉन वो देट मीनज मास ऑफ द एल्फा पार्टिकल रेस्ट मास ऑफ द एल्फा पार्टिकल इज फो टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटान देर इमिटेड विद वस्ज रनिंग बिटवी वन पॉइंट फोर इंटू टेन इज पर सेवन मीटर पर सेकेंड टू टू पॉइंट टू इंटू ट सेवन मीटर पर सेकेंड सो जो अल्फा अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो इमिट इमिट होते हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सबसन से जो वो इमिट होते हैं तो उनका विलासटी जो रेंज करता है दैट रेंज इज़ बिटवीन वन पॉइंट फोर इंटू टेन पर सेवन मीटर पर सेकेंड टू टू पॉइंट टू इंटू ट्स पर सेवन मीटर पर सेकेंड जब हम अल्फा पार्टिकल को चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं दे आर डिफ्लेक्टेड बहुत ही फील्ड में एल्फाफी एलेक्ट्रफीड में भी वो डिफ्लैक्ट होते हैं अगर हम मैगनी फील्ड में हम रखेंगे वहाँ पर भी अल्फ़ा पार्टिकल का डिफ्लैक्शन होता है जब भी हम एल्फा पार्टिकल स्मॉल मेटीरियल पर रख रखते हैं तो वो उनमें फ्लोनस होता है जैसे जिंक सल्फाइड है बेरियम प्लेटिन जो है जो दे काज फ्लोरस इन सम मटीरियल वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पड़ते हैं जैसे जिंक सल्फ, कुछ मटीरियल जो है जैसे जिंक सल्फाइड है या बेरियम प्लेटिनो साइनाइड है जब अल्फ़ा पार्टिकल इन मटीरियल पर पड़ता है कुछ मटीरियल पर पड़ता है उसमें फ्लोरस होती है एंड दे हैव है लो पेनिट्रेटिंग पावर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनका पेनिट्रेटिंग पावर लो है दैट मीनस आयर ऑफ थिकनेस अगर आयर का थिकनेस सेवन पॉइंट सेवन सेंटीमीटर सेवन पॉइंट जीरो सेंटीमीटर होगा वो उसमें एब्ज़ॉर्ब होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल देन कम्प्लीटली जो जब अल्फा पार्टिकल्स एक थिक आयर से पास करेंगे जिस जो जिस आयर का जो थिकनेस सेवन पॉइंट जीरो सेंटीमीटर से है तो ये अल्फा पार्टिकल्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं उस आयर में जो अल्मोनियम फाइल की बात अगर करेंगे अगर हम अल्मोनीयम फॉल ले लेंगे ऑफ जीरो थिकनेस ज़ीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर वो भी जब अल्फा पार्टिकल इन पर पड़ती हैं तो जो अल्मोनीयम फ़ॉइल है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करते हैं सो so, बच्चों आपको अंडरस्टैंड आप अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करेंगे कि जब अल्फा अल्फा पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेटिंग पावर वो लो है वो दैट मीन्स अगर वो एक अगर वो आयर से पास करेंगे जिस एयर का थिकनेस सेवन पॉइंट जीरो सेंटीमीटर हो तो वो कम्प्लीटली उसमें एबजॉर्व हो जाते हैं इसी तरह अगर अल्मोनीम फॉल हम ले लेंगे जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर का थिकनेस तो उस पर अल्फा पार्टिकल जब अगर पेनिट्रेट करेंगे तो वो उसमें कम्प्लीटली एब्जॉर्व हो जाते हैं अल्फा उनको अल्फा अल्मोनीम फॉल उनको कम्प्लीटली अल्फा रेज को अल्फ़ा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है दे हैव हाई अयन पावर इसका मतलब क्या है जो अल्फा पार्टिकल्स है उनका आय पावर काफ़ी हाई है ए सिंगल अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस अबाउट ट्वेंटी एट थाउजेंड आयन पेयर्स पर सेंटीमीटर आयर एक सिंगल अल्फा पार्टिकल जो है वो बीस हज़ार अन पेयर्स जो है पर सेंटीमीटर प्रोड्यूस करते हैं थ्रो इट पासिस जिस अगर जिस जिस आयर से अल्फा पार्टिकल पास होते हैं जिस अल्फा पार्टिकल जिस अल्फा पार्टिकल से अगर सिंगल अल्फा पार्टिकल प्रोड्यू ये आयर से आ, पर सेंटीमीटर आयर से, से पास करेगा तो उसमें वो बीस हजार अन् पेयर प्रोड्यूस करते हैं गो ए सिंगल अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड अन पेयर्स आयन पेयर्स पर सेंटीमीटर आयर थ्रू विच इट पासिस गो दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर वो ये आपको समझ आया होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव हाई आयनाइजिंग पावर दैट मीनज ए सिंगल अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड अन पियर्स पर सेंटीमीटर सं, आयर थ्रो विच इट पासिस देसुलाइटली इफेक्ट द फोटोग्राफिक पलेट जो अल्फ़ा uh, पार्टिकल है वो उनसे जो फोटोग्राफिक प्लेट जो है उतना इफेक्ट नहीं होता है अल्फा पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट वैन फॉलोन ए सब्सन जब अल्फा पार्टिकल किसी सबंस पर पड़ते हैं उनमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो हीट हीट गेन करते हैं हीट हो जाते हैं हॉट हो जाते हैं दे कैन का स्किन स्किन बर्नज अगर एल्फ़ा पार्टिकल स्किन पर पढ़ेंगे तो स्किन uh, बर्न हो जाता है अल्फ़ा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड बाय थिन मेटलिक फॉयल जब थिन मेटेकल फॉइल्स पर हम अल्फा पार्टिकल स्केटर करेंगे जब uh, जो मेटल थिन थेटलिक फॉयल पर हम अल्फा पार्टिकल को uh, करेंगे डाल देंगे तो वो अल्फा पार्टिकल जो है सिकेटर हो जाते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द बिटवीन जो डिस्टेंस है थ्रू विच अल्फा पार्टिकल्स कैन ट्रेवल इन आयर वेरिज फ्रॉम थ्री पॉइंट वन टू सेवन पॉइंट एट सेंटीमीटर सो so, बच्चों ये हमने अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम कंटिन्यू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बीटा पार्टिकल आई होप यू विल अंडरस्टैंड ये कुछ दस बारह तेरह चौदह ये प्रॉपर्टीज़ हैं यू यू मे रिपीट द वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे थैंक यू वेरी मच दिस इज़ ऑन यो पी डी एफ जो नोट्स हमारे हैं पेज नंबर हंड्रेड ट्वेंटी पर है प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा पार्टिकल सो I hope you will understand it in a better way. Thank you very much.